इसका हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में देखिए दिया हुआ है 4x माइनस का 2y इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस का 3y इक्वल टू में 5। चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं लेट a इक्वल टू में जो मैट्रिक्स होगा, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 2x2 ऑर्डर का, 4 माइनस का 2, 6 माइनस का 3। एक्स यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स ले लेते हैं, देखिए इसमें वेरिएबल वाले एक्स वाई, और बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट हो जाएंगे 3, 5। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू में बी है ना जी। अब इसके बाद देखिए ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू देखते हैं क्या हो जाएगा, माइनस 2l प्लस का 2l, 0 आ गया। अब चलिए इसके एडजॉइंट निकालने के लिए हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल, C11 पॉजिटिव होता है, माइनस 3 आ जाएगा, C12 ये निगेटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 6, C21 ये आपका निगेटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटाएंगे, माइनस 2 का डिटर्मिनेंट वैल्यू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, C22 ये पॉजिटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 4। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इन सभी को फैक्टर को सजा के उसका ट्रांसपोज, माइनस 3 माइनस 6 2 4 का ट्रांसपोज, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 3 माइनस 6 2 4। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो अब इसके बाद लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी, क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू, यहाँ है माइनस का 3 2 माइनस 6 4, और इंटू में बी का वैल्यू है यहाँ 3, 5 एक कॉलम मैट्रिक्स है। चलिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो माइनस का 9 प्लस का 10, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो माइनस का 18 और प्लस का 20। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 2, तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स नहीं ना हो रहा है जी। तो यहाँ पर देख लिख सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो जीरो है, एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी का जो वैल्यू है जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपका इनकंसिस्टेंट होगा। चलिए अब हम लोग